Good morning everyone, welcome to Carry Difference School. Today we will discuss another sample paper that is of 2019 All India Sainik School Entrance Exam 2019 Social Science Exam. The first question is on your screen. Nothing like it. The chairman of the drafting committee of Indian Constitution was Sardar Patel, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru ji. Chairman of the drafting committee of Indian Constitution was Dr. B.R. Ambedkar. एक सेवन जो है मेंबर्स की जो है कमेटी जो है बनाई गई थी जिसके चेयरमैन जो है B.R. अम्बेडकर को जो है बनाया गया था एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सेटअप करा था ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सरदार वल्लभ भाई पटेल नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड ही इज ऑल्सो फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑल्सो नोन एज से सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया और वी कैन से स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया. जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है फंडामेंटल राइट्स का जो ड्राफ्ट है दैट वॉज प्रिपेयर्ड बाई हिम by Jawaharlal Nehru ji. Next question. By the late of 18th century, East India Company was trying to expand the cultivation of opium, indigo, cotton, tea. By the late of 18th century. Yes. The correct answer is that is called indigo. अब क्या हुआ था कि इसकी cultivation जो है क्यों expand करी गई थी वो was the reason. जो demand थी indigo की वो increase हो गई थी in late 18th century because of the expansion of cotton production. कॉटन प्रोडक्शन की एक्सपेंशन के कारण जो है डिमांड जो है इंडिगो की जो है इंक्रीज हो गई थी एज जिसका क्या रिजल्ट हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है विच इन टर्न क्रिएटेड इनॉर्मस डिमांड फॉर क्लोथ डाइज. क्लोथ डाइज की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई थी. नेक्स्ट आता है ईवीएम्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश जर्नल इलेक्शन 2001, 2002, 2003, or 2004. जो ईवीएम जो है दीज हैव बीन यूज्ड इन ऑल जर्नल एंड स्टेट इलेक्शंस ऑफ इंडिया सिंस 2004. देर आर डैश इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा. अनदर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 543, 272, 233, 260. अब यहां पर क्लोज ऑप्शंस उन्होंने नहीं दिए. इलेक्टेड मेंबर्स कैसे हो सकते हैं 543 मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी राज्यसभा की 250 है और करंटली हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर्स बैठे हैं दैट इज 245. 233 हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं और जो हमारे 12 मेंबर्स हैं ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट.
नेक्स्ट इज द कंप्लेनेंट हैज अ डैश राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर फ्रॉम द पुलिस फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ये कौन सा राइट जो है कंप्लेनेंट का होता है कि उसको जो है एफआईआर की जो कॉपी मिलती है पुलिस से That is correct. Your answer is correct. That is a legal right. Next आता है minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer is known as. बहुत बार करवाया ये question. Answer this. Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer is known as correct. That is called open cast mining. Shaft mining क्या होता है? Shaft mining कह लो या फिर shaft sinking कह लो, one and the same thing. It is excavating a vertical or near vertical tunnel from top to down where there is no initial access to bottom. जहाँ पर कि bottom से कोई भी access नहीं होता beginning में. This is your shaft mining. Drilling to make a hole in something that is called drilling. Which article of the constitution states that untouchability has been abolished? Article 14, 15, 16, 17. Another question. Yes, that is option D, article 17. आर्टिकल 14 जो है वो किस रिगार्डिंग है फटाफट चैट बॉक्स में बताइए आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू व्हाट लाइफ फ्रीडम लाइफ 2000% गलत आर्टिकल 14 इज टॉकिंग अबाउट लाइफ आर्टिकल फ्रीडम नो नॉट एट ऑल गलत हो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ईप आउट दिस इज 14 दिस इज 15 दिस इज 16 दिस इज 17 दिस इज 18 आर्टिकल 14 इक्वालिटी ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ बताया था बहुत अच्छे से राइट This is your Article 14 exception कि governor और president है इनको जो है इनके against भी कोई भी criminal जो है civil और criminal proceedings नहीं कर सकते Article 15 P prohibition of discrimination on the basis of ground on the basis of religion, caste, gender. Discrimination means भेदभाव नहीं करेंगे किसी से भी prohibit करा गया है ban करेगी ये इस चीज को Article 16 opportunity ओसे opportunity in what? In case of equal opportunity is given in the case of public employment. Article 17 that is untouchability and Article T that is for titles where educational and military titles that you can place before their names. I'm extremely disappointed that nobody knows. और खुद देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो The Marathi newspaper Kesari was edited by Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak, Sarojini Naidu, Lala Lajpat Rai.
आंसर इज बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक मराठी न्यूज़पेपर। ये भी रिपीट हो चुका है, बहुत बार पूछा ये भी क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक। अब बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल एक इंडियन नेशनलिस्ट है, राइटर है, सोशल रिफॉर्मर है और इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक एक्टिविस्ट हैं। बिपिन चंद्र पाल। सरोजनी नायडू, शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एंड इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनके द्वारा कहा गया था? दैट इज बाय महात्मा गांधी जी टू सरोजनी नायडू। एंड ये भी एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोएट है। सरोजनी नायडू का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट इंडियन। इससे पहले कौन थी? दैट वाज एनी बेसेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो दैट इज एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन दैट इज सरोजनी नायडू ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाला लाजपत राय, इनको जो है, जो भी लाला लाजपत राय बच्चे बोल रहे थे ना, तो ही इन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और वहां पर मराठी न्यूज़पेपर केसरी की बात हो रही थी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? दिस इज पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय जो है जाने जाते हैं। And he is also an Indian freedom, was an Indian freedom fighter and a part of Indian independence movement. Next author, the difference between the birth rate and the death rate is called as, is known as. The difference between the birth rate and death rate is known as, is called. Hanji, answer this. Correct answer is natural growth rate. Dandi March was against the Saltes Poon Swaraj non-cooperation movement or the Simon Commission. Dandi March. Option A, Dandi March was against the Saltes tax. ये एक 24 दिन का non-violent march था, which was led by Mahatma Gandhi ji on 12 March 1930. साबरमती आश्रम से जो है वहां से विलेज ऑफ डांडी। अब किसके अगेंस्ट जो है ये इसमें जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे? दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टीप टैक्स दैट ब्रिटिशर्स लिव्ड on salt. Steep होता है high tax जो इन्होंने salt के ऊपर लगाया था, उसके against ये जो है protest कर रहे थे। पूर्ण स्वराज that is complete independence by Indian National Congress on 26 January 1930. Non-cooperation movement under the leadership of Mahatma Gandhi ji in 1920.
ये हुआ था आपका सितंबर 1920 से लेके फेब 1922 तक। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन जो आपका आया था दैट वाज इन 1928। नेक्स्ट आता है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन इन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जो चार्टर मिला था, चार्टर होता है घोषणा पत्र डिक्लेरेशन, कब मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन से, इन 1600 AD, इन 1599 AD, और 1601 AD, या फिर 1700 AD। यस दैट इज ऑप्शन ए, इन 1600 AD। जो गवर्नमेंट थी कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज ऑन 31st दिसंबर 1600। नेक्स्ट आता है दिल्ली रिनाइसेंस रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम 1830 से 1857, 1857 से 1885, 1825 से 1857, या फिर नॉन ऑफ दिस। Yes, the time period for Delhi Renaissance refers to the 1830 से लेके 1857 AD। During this period, rebirth of art and learning क्या क्या चीजें regenerate करेगी। Rebirth of art and learning, revival of creativity and artistic यानी कि कला attitude take place, and also science में भी जो है contribution रहा था, establishment of दिल्ली college, सारी चीजें जो है इस time period पर जो है करी गई थी। city का जो है expansion of city during this period। next आता है हमारा goods dispatch, Woods Dispatch of 1854 refers to educational, financial, forest, or none of these. Woods Dispatch of 1854 is related to what? Educational, financial, or forest? Okay, students are saying A option. Yes, Woods Dispatch of 1854 refers to educational reforms. ये जो है under British rule Sir Charles Wood, इनके द्वारा जो है करा गया था। Who was the president of Board of Control of British East India Company? Sir Charles Wood. 1854 में he sent the dispatch to Governor General of India. इन्होंने जो है एक डिस्पैच भेजा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के 1854 के टाइम पीरियड में, दैट वाज लॉर्ड डलहौजी।
रिगार्डिंग दी एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में जो एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग जो है ये डिस्पैच जो है भेजा गया था सर चार्ल्स वुड के द्वारा, एंड दिस इज नोन एज वुड्स डिस्पैच। और अंडर दिस चार्ल्स वुड ऑल्सो सजेस्टेड टू स्टार्ट प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होता है आपकी मातृभाषा, इनको भी जो है स्टार्ट करा जाए प्राइमरी स्कूल्स में। नेक्स्ट आता है द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा इज, देखिए इसमें राज्यसभा का भी क्वेश्चन आया है इस सैंपल पेपर में और लोकसभा का भी क्वेश्चन आया है। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सिंपल। यहाँ पर आपको फोटो से भी पता चल गया होगा जितने भी लोकसभा में 545 एमपी जो बैठे हुए हैं उन सबके लीडर कौन है, हमारे मोदी जी, हमारी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी वो जो है पावर में है, उसके हेड जो है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड क्वेश्चन, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अरेस्टेड पर्सन इज गारंटेड फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 22। आंसर दे, हाँ जी ये तो लिखा हुआ ही था स्क्रीन पे, चलिए फटाफट जरा हैंड रेस करो, आर्टिकल 22 होता क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 22। वीडियो ऑन करो पहले तो सबके सब। व्हाट इज आर्टिकल 22, ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्हाट इट इज अपार्ट फ्रॉम अभिजीत, अभिजीत के अलावा बाकी बच्चे सबको ही करवाया, एक बच्चे को नहीं करवाया, भरत। व्हाट इज आर्टिकल 22, रीजन तो दो, कराया मैंने फिर डोंट नो वाला तो मतलब ही नहीं समझ में आता मुझे, कम से कम अगर सैंपल पेपर भी ढंग से कर लो ना तो भी याद हो जाए कि ये क्या आर्टिकल है। पढ़ना तो हमने है ही नहीं जी। अभिजीत मैम, इफ एनीवन अरेस्ट बाय पुलिस ऑफ एंड और एनी one different so this is a duty of that person that in 24 hours the arrestor go in the front of magistrate jo mujrim hota hai ma'am usko 24 ghante ke andar magistrate ke aage le jana padta hai। There is one more thing ki उसको जो है इन्फॉर्म करा जाएगा उसको, यस मैम, और जो अगर जो कोई आतंकवादी या किसी दूसरे देश को, मैम उसको ये नहीं होता कि जो, यस एक्सेप्शन इज देयर, सीधा मार सकते हैं हम एकदम से ही। यस देखिए Article 22 of Indian Constitution, yes, states that no person who is arrested shall be... This is the right of police or army. Okay, Abhijit, done.
Article 22 of the Indian Constitution states that no person who is arrested shall be detained in the custody without being informed. उसको inform करे बगैर हम custody में नहीं ले सकते that person. Or also he or she shall be presented before the court within 24 hours after the arrest. तो उसको ये प्रोटेक्शन दी जाती है कि आपको जो है विद इन 24 आवर्स जो है मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करा जाएगा. देन नाउ व्हाट इज आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू व्हाट, चैट बॉक्स में लिखो जरा. हाँ जी अभिजीत बोलो. मैम आर्टिकल 20 में ये होता है कि यदि किसी थीफ ने 5 घरों में चोरी की है तो मैम उसको ये नहीं होगा कि उसको 5 बार ही उस क्राइम की पनिशमेंट मिलेगी. उसको सिर्फ एक जो करंटली क्रिमिनल किया, उसने क्राइम किया है, उसकी ही पनिशमेंट मिलेगी. यानी कि उसको 5 बार पनिशमेंट दी जाएगी. तो इस टर्म को बोला क्या जाता है, दो टर्म्स इसमें बताई थी. इस टर्म yes, में मैम वो फैक्टो फर्स्ट फैक्टो लो और क्या जो आपने एक्सप्लेनेशन दिए दैट इज नॉट एक्स पोस्ट फैक्टो लो. दो चीजें बताई थी, म्यूट कर लीजिए अभिजीत. एक्स पोस्ट फैक्टो लो और एक बताया था नो डबल जियोपार्डी अंडर आर्टिकल 20. आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो नो डबल जियोपार्डी की दी है कि जो है अगर कोई पर्सन जो है एक क्राइम को बारी बारी कर रहा है, बारी बारी दोहरा रहा है, तो उसको जो है उसकी पनिशमेंट जो है एक बार मिलेगी. This is called no double jeopardy. Ex post facto जो क्राइम उसने आज करा है, सो जो करंट लॉ होगा तो उसको पनिशमेंट जो है करंट लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी. दिस इज योर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. आर्टिकल 21 दैट इज रिलेटेड टू व्हाट. आर्टिकल 21 अपार्ट फ्रॉम अभिजीत बाकी बच्चों का क्या मतलब, क्या समझूं बेटा? आप सैंपल पेपर में अपने आप ही देख रहे हो कि चीजें किस तरीके से रिपीट हो रही हैं. यस दैट इज रिलेटेड टू लाइफ. आर्टिकल 23 दैट इज रिलेटेड ये आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर. और दिस इज रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग तस्करी फोर्स्ड लेबर. बाकी के क्वेश्चन जो है कल डिस्कस करते हैं, टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया है क्लास. थैंक्स एवरीवन. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.